बस बस। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? राधे राधे। तो आज का व्लॉग तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। यानी कि थोड़ी मस्ती देखने को मिलेगी और मम्मी और पल्लू घर आ चुके हैं तो वो सब देखने को मिलेगा। और अनु और अनय तो कैसे ऋषि के पीछे पड़ता है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्माइल आने वाली है चेहरे पर। तो आज के व्लॉग में बने रहिए और देखते हैं इनकी मस्ती। ऐप्स उधर ऐसे करो। ये तुरंत बॉडी बनती है भाई, तुरंत। दस बार करो, कम से कम दस बार तक बॉडी बनेगी मामा। अरे दादा, मामा की बॉडी देखी जाती है बार बार खोल खोल के। अरे दादा, हड्डी हड्डी करकरा रही है, बच्चा रहने दो। अरे दादा, ऐप्स गिन लो, 1 2 3। बस यार बस, हो गया, बॉडी वाला। तो भाई बारिश का मौसम आ गया और हमारे यहाँ भी कटहल के पकौड़े बन रहे हैं और साथ में बन रही है चाय। तो बस कटहल के पकौड़े आप लोग भी बनाइए और खाइए। तो यहाँ तो मैस करके बनते हैं, हम लोग कटहल उतना अच्छा मिलता नहीं है ना, अपने साइड तो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो भजिया टाइप बना ली गई है और चाय के साथ में। तो मैं उन लोग के ऑफिस में ऑडिट चल रही है तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो डे और नाइट दोनों की ड्यूटी है। मतलब दोपहर में निकल जाते हैं फिर अगले दिन आते हैं, चा मजदूर चा, तो सब कुछ व्यवस्था करके देना होता है और निकल पाए। सबरी आधा आधा खा के सब चीज रखाते हैं। हमसे कह रहे बताना मत, आज ऐसे कर रहे। मारना मत भाई, मारना मत। ओफो बॉडी बन रही, लेग वाली एक्सरसाइज, लेग वाला है टर्न। बस 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 दो, जैसा प्यार से दिया था वैसा नहीं दे सकते हो कि अपनी अपनी नमकीन लो, अपनी पसंद की नमकीन। ये मिले, बैठो 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 बैठो। अच्छा उल्टा करो, अच्छा। ओ ओ ओ ओ, लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी। बनाओ क्या बनाओ, उधर ही रहो तुम, उधर ही रहो, उधर ही रहो। और मम्मी और पल्लू को आना है तो सफाई में लगे हैं लोग, एक दिन पहले का है तो संडे को सफाई हो रही है और फ्रिज व्रिज भी साफ हो रहा है तो काफ़ी सफाई हो रही है। मतलब स्टोर रूम तो बहुत ही फैल गया था तो इसकी भी सफाई हो चुकी है। और अनय मतलब मास्टर जंग मम्मी ला रही ना वहाँ से, तो अनय को तो नींद ही नहीं आ रही और बोला करते थे कि कब आएंगी। तो हमने कहा जब सो के उठोगे नेक्स्ट डे तो आ जाएंगी। ऐसे तो 10-11 बजे सो के उठता था लेकिन उस दिन 6 बजे उठ गया। हमसे बोलता है आप तो बोल रहे थे कि आ जाएंगी, आई नहीं। हमने कहा मुझे क्या पता था आज इस टाइम सुबह उठ जाओगे। और मम्मी की यानी खुशी में चने के फरे बन रहे हैं क्योंकि यहाँ उड़द की दाल के बनते ना, तो हमको और दीदी को चने वाले दाल के अच्छे लगते हैं। तो दीदी कहें कि पल्लू को भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन फ्राई करके, तो एक दिन पहले ही बना लिया गया तो मतलब नेक्स्ट डे जिस दिन आएंगी तो फ्राई करके सुबह सुबह नाश्ते में दे दिया जाएगा। लो जी आ गई मम्मी, इनका मास्टर ट्रक लेकर खुशी देखो। अरे मास्टर ट्रक, अपने मास्टर ट्रक तो दिखा दो। कौन लाया है? अरे देखो 12 बजे तक उठ सो के नहीं उठता है, आज देखो 7:15 बजे फुदक रहे हैं, 6 बजे जगा हुआ है ना ये। नानी नहीं आई। और ये है घर की बगिया के आम, देखो इनके महक ही अलग रहती है। वो सब लोग एक एक पानी चमनी,
क्योंकि हम तो आम अभी जबरदस्ती पकाए वाले मिल रहे हैं, मतलब चुआन के नहीं मिल रहे हैं ना, तो बगिया के हैं थोड़ा। मम्मी पहले आई थी जून में अपने हैं। हाय हाय, तो इनका पूरा शोरूम सज गया छोटे लेकर बड़ी तक, गाड़ियां ही गाड़ियां, पूरे घर में खिलौने ही दिखते हैं। और चला दिया है क्या देखते हैं, मासा बियर एंड ये पेपा पेगम, इनसे बोलते हैं तुम्हारी आ गई सुअर फैमिली। बोले पिग है। और ये देखो फरा फ्राई कर दिया, तो फ्राई करके तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो रेसिपी जरूर शेयर करेंगे किसी दिन। कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे खाला जान कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? देखना येलो टी शर्ट पहने पीले वाले चूजे जैसे लगी भी रहे। ए अपनी बॉडी दिखो, खाला जान की बॉडी कैसी है? सूखी। तुमसे नानी की बॉडी? ओ कुआं जैसा। मौसिक बॉडी तो बन गई है अब देखो। ए बच्चा बच्चा सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ए पगलू, बच्चा का लुक देखने दो, लुक दिखाओ भाई। मसूरी जा रहे हैं, मसूरी आप दिखाओ बाबा। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटते। हाय हाय गोबर, हाय हाय। ओहो छाटा बिनो, छाटा बिनो, इधर से छाटा बिनो। तो चली जाएंगे, तो फिर सैटरडे को प्लान बन रहा है, मतलब मसूरी जाएंगे। तो बहुत सुंदर लग रही है इसलिए थोड़ा सा रोक दिया था, बहुत प्यारी लग रही है। तुरंत दौड़ते थे, बोला नहीं ना इन्होंने आते ही, नोटिस ही नहीं किया। मामा जल्दी जाओ भाई, जाओ तुम मामा। तो ब्लैक टी शर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, तो भाई ये लोग तो रेडी हो गए मसूरी जाने के लिए। तो आने जो कपड़े पहने हैं तो मतलब मीनू मामा ने ही दिलाए ना, तो ये सोच रहा था कि नोटिस करेंगे, मामा तारीफ करेंगे, इसलिए थोड़ा दुखी हो गए। छोटू मामा पे तो जान बचती है, इनकी बिना लिए नहीं जाएंगे। रुक जाओ, बैठा देते हैं। मम्मा गई
तो जून में तो भैया बाइक से ही जाने वाला होता है मसूरी। इतना ट्रैफिक होता है कि आप तो 2 दिन में मसूरी पहुंचोगे। मुझे नहीं तो लगता जब भी जाए बाइक से टंकी जाए, टंकी कितनी बड़ी है इसकी, और मजा भी ज्यादा आता है बाइक से। और नाइट स्टे करेंगे, मतलब सैटरडे रुकेंगे, संडे को आएंगे। लेकिन बैग देखो कैसे भर रखे हैं कि लग रहा है बहुत दिन रुकेंगे। ट्रॉली उधर लग गई, ये गई मॉन्स्टर ट्रक, ये गई रिमोट कार, थार, पुलिस कार। तो जिस दिन पहुंचे उस दिन तो मॉल रोड वगैरह ही घूमे, तो आज कैंपटी फॉल के लिए निकलेंगे। तो इनकी मस्ती देखो कैसे शुरू है कि मुर्गा कैसे बता कैसे वो, तो इनकी मस्ती बहुत ज़्यादा शुरू है। और पूरी चढ़ाई इसने अकेले चढ़, मतलब चढ़ ली, ये नहीं बोला कि नहीं गोदी ले लो। तो जैसा कि बोला कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए मम्मी लोग, तो फिर दीदी भी अपनी चली जाएंगी। तो सारी पैकिंग शुरू हो गई है 2 दिन पहले से ही, तो सारी गाड़ियाँ इनकी पैक कर दी गई हैं स्पेशल जगह बना के। और संडे को ये लोग वापस आ गए घूम के, लेकिन फिर मतलब मामा जी के लड़के और उनके दोस्त तो उस दिन गए मंडे को, तो उस दिन बारिश इतनी हो रही थी कि फिर मसूरी ना जाते हुए लौट आए, तो यहीं घूमे मतलब हरिद्वार ये सब जगहों में। तो चलिए व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये मामा जी के लड़के हैं छोटू भैया तो ये लोग भी मसूरी आए हुए थे। तो चलिए व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। और दीदी जो कप लाई थी वो भी आज निकाल लिए